भीड़ जो है ना वो एक बार आप चेक कर ले भाई, वेटिंग में लोग लगे हुए हैं यहाँ पे कुल्हड़ पिज्जा ट्राई करने के लिए। टेस्ट वाइज नई चीज देखने को मिली, अलीगढ़ में नई चीज देखने को मिली है। टेस्ट वाइज सही लग रहा है, जो नॉर्मल पिज्जा होता है उससे अलग है या नॉर्मल पिज्जा होता है थोड़ा डिफरेंट। कुल्हड़ पिज्जा जो है ना भाई, आपने बहुत सुना होगा ये जो नाम है कुल्हड़ पिज्जा का, बहुत ज्यादा वायरल भी है। तो भाई यहाँ जो है ना ये हमारा कुल्हड़ पिज्जा जो है वो बन के तैयार हो गया है। जो नॉर्मल पिज्जे होते हैं ना उससे काफी डिफरेंट टेस्ट इसका, और इसके अंदर जो एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना कुल्हड़ का, बहुत जबरदस्त आ रहा है। और इसके अंदर जो इनके सॉस पड़े हुए हैं भाई, इस वक्त मैं हूँ मैरिज रोड पे, और ये जो स्ट्रीट है ना भाई बहुत जबरदस्ती फूड स्ट्रीट हो गई है, और यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत ज्यादा वेराइटीज मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको मोमो से लेके रोल से लेके, और एक जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक शाही फायर कुल्हड़ पिज्जा जो है ना वो भाई यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया आप लोगों के लिए। तो इसको जो है ना दिखाएंगे कैसे बनता है, और इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, इसको जरूर ट्राई करिएगा भाई। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ पे ना किस तरह से कुल्हड़ पिज्जा जो है वो तैयार किया जाता है भाई। तो यहाँ पे जो है ना ये मजेदार सा जो कुल्हड़ पिज्जा है उसका यहाँ पे पूरा सेटअप रखा हुआ है, और यहाँ पे मैम जो है वो इसकी जो शेफ है ना मेन वो है, ये सब्जियाँ जो है वो तैयार हो गई थी, और इसमें जो है ना तंदूरी मायोनीज जा रहा है, और यहाँ पे ये वाइट वाला मायोनीज जो है इसके अंदर आ गया। मैम ये बताइए आप कितने साल से करीब ये बना रही हैं तंदूरी पिज्जा, आप ये तब भी अंदाजा है करीब कितने साल से आप बना रही होंगी ये? तो अलीगढ़ में अभी क्या मतलब ये क्या आपको आइडिया है कि मतलब यहाँ कुल्हड़ पिज्जा बनाना चाहिए या क्या, सब कुछ बताइए। अच्छा यहाँ है नहीं अलीगढ़ में, तो ये बताइए थोड़ा सा इसमें क्या क्या चीज़ आपने डाली। मैंने तो थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि इसमें जो सब्जी डाली है आपने, एक तो प्याज है जी, जी अनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया, इसमें टमाटर हो गया, ये सॉस कौन सा है आपके पास, ये सॉस आपने डाला है? अच्छा अच्छा ये वाला ये कौन सा? अच्छा ये पिज्जा टॉपिंग सॉस है ये, और ये मायनेज है, ये बात है। अच्छा तो ये मायनेज आ गई है, तो इसको अभी तैयार किया जाएगा। अच्छा ये आ गया इसके अंदर चिकन, तो ये चिकन क्या पहले से ही कुक कर रखा था आपने? अच्छा अच्छा यहाँ पे जो है ना इसमें चिकन आ गया भाई, और कुल्हड़ पिज्जा जो है ना भाई यहाँ पे चेक कर ले भाई, भीड़ जो है बहुत जबरदस्ती लग रही है, पूरा सेटअप बना हुआ है भाई यहाँ पे, और वहाँ पे जो है ना इनका जो पिज्ज़ा है वो वहाँ पे तंदूर होता है। तो ये आ गया इसके अंदर ब्रेड के वो आ गए टुकड़े छोटे छोटे। अच्छा नॉर्मल ब्रेड जो यूज़ होती है वही वाली ब्रेड है ये बात है भाई। तो यहाँ पे जो है ना ब्रेड आ गई, यहाँ पे जो है ना इनका जो सेटअप है भाई तंदूरी पिज्ज़ा का वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, और यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो ब्रेड जो है वो डाल दिए थे उन्होंने, और उसको पकाने के बाद इसमें जो है ना थोड़ा सा चीज़ आ गई, इसमें ये आ गया सीजनिंग आ गई है। अच्छा ये इनका जो डब्बा है भाई इसमें मसाले हैं, ये आ गए चिली फ्लेक्स आ गए इसके अंदर, बस अभी ये सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। बस अभी अब ये इसके बाद जाएगा कुल्हड़ में, ये बात है। तो यहाँ पे जो है ना कुल्हड़ आ गए, इनको पानी में भिगो के रखा हुआ था पहले से, ये आ गई मायोनीज है। अच्छा प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या रहता है इसका? 100 रुपीज का ये पूरा ग्लास है। अच्छा इससे कम रेट का भी है या ये मिनिमम है इसका 100 रुपीज है? अच्छा और इससे ज्यादा का अगर लेना चाहें तो इससे ज्यादा का भी है? अच्छा 120, उसमें क्या अलग है इससे 100? अच्छा चिकन वाला जो है वो 120 का है, और विदाउट? अच्छा अच्छा मतलब 100 से 120 के बीच में है रेंज है। तो ये जो है ना माइनस के बाद इसके अंदर आ गया आपका ये जो इन्होंने तैयार किया था इसके अंदर का सारा आइटम। तो ये जो है ना आ गया इसके अंदर सारा सामान, और अभी जा रहे हैं इसके अंदर अपने सॉस हैं। अच्छा ये चीज आ गया जी, ये आ गया भाई ड्रेसिंग चीज। ओह ये बात है। अच्छा इसके बाद फिर से जाएगा ये। ये इसके ऊपर आ गया फिर से भाई, और भी ज्यादा पूरा लोडेड है एकदम ये, और इसके ऊपर जो है ना फिर से चीज आ गई फिर से इनके इसके ऊपर। अरे टाइमिंग क्या रहती है वैसे यहाँ पे, कितने बजे से मिलना शुरू हो जाता है? 4 बजे से। शाम में 4 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाता है, और रात में लास्ट के, अच्छा रात के 11 बजे तक है। तो ये जो है ना इसके ऊपर चीज और आ गई है, और अब ये आ गया मोजरेला चीज आ गया भाई इसके ऊपर, चेक करें भाई ये। तो कुल्हड़ पिज्जा जो है ना भाई, आपने बहुत सुना होगा ये जो नाम है कुल्हड़ पिज्जा का, बहुत ज़्यादा वायरल भी है, और टेस्ट जो है ना कुछ उसी जैसा लग रहा है देखने में, और देखने में जो इसकी खूबसूरती है ना भाई वो चेक करें भाई, ये
कुल्लड़ पिज्जा जो है ना भाई रेडी हो गया ऑलमोस्ट, और इसको जो है ना वो तंदूर करेंगे। इसमें आ गई है सीजनिंग, आ गई थोड़ी सी है जी, ये आ गए चिली फ्लेक्स, ये आ गए थोड़े से ऑलिव आ गए इसके ऊपर भाई। ये भाई चेक करें तो एक मिनट दिखा दिए, तो ये जो है ना भाई ये आ गया है भाई यहाँ पे इनका जबरदस्त कुल्लड़ पिज्जा, और अब ये जाएगा यहाँ से मशीन में है भाई ये देख। तो यहाँ पे जो है ना ये आ गया भाई, तो कुछ इस तरह से सेटअप है ये बना हुआ है। ये आ गया सॉस, इसकी जो कॉस्ट है वो है 120 है चिकन वाला, इसकी जो कॉस्ट है 120, ये बात है। अब जो ओवन के अंदर जो पिज्जा गया ना वो भाई बता रहे हैं करीब 4 मिनट के अंदर वो तैयार हो जाना है जी, 4 मिनट के अंदर बिल्कुल पिज्जा रेडी हो जाएगा, ये बात है भाई। तो 4 मिनट हो जाएगा, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको जो पिज्जा है ना वो भाई किस तरह जो है तैयार हुआ है। तो 4 मिनट हो गए हमारे और इसको खोल के देखते हैं क्या सीन चल रहा है इसमें, ये भाई चेक करें भाई। तो ये जो है ना ये कुल्लड़ पिज्जा जो है वो भाई बनकर तैयार हो गया, बहुत जबरदस्त था, चेक करें भाई। अच्छा ये सीन है भाई, इसमें इस तरह से जो है ना आपको कुल्लड़ पिज्जा जो है वो सर्व किया जाता है भाई। तो यहाँ पे जो है ना मैम से पूछे, मैम कैसा टेस्ट है इनका, आपने ट्राई किया मतलब कैसा टेस्ट लगा आपको? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आई हूं, शायद आज ही के दिन इनोवेशन हुआ है। अच्छा लेकिन मुझे सच में रियली में अच्छा, टेस्ट वाइज हाँ नई चीज देखने को मिली, अलीगढ़ में नई चीज देखने को मिली है, टेस्ट वाइज सही लग रहा है। जो नॉर्मल पिज्जा होता है उससे अलग है या नॉर्मल पिज्जा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट, उससे काफी डिफरेंट है, चीजी भी है और काफी मतलब टेस्टी है। ओके थैंक यू मैम। भीड़ जो है ना वो एक बार आप चेक कर लिए भाई, वेटिंग में लोग लगे हुए हैं यहाँ पे कुल्लड़ पिज्जा ट्राई करने के लिए, और बहुत ज़बरदस्ती भीड़ चल रही है भाई कुल्लड़ पिज़्ज़ा के लिए। तो जो है ना इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, और मैं भी इसको टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ इसका टेस्ट जो है ना वो कैसा है। तो ये भाई चेक करें, ये जो है ना इनका कुल्लड़ पिज़्ज़ा तैयार हो गया भाई, और इसमें ये तो भाई चीज़ की जो लेयरिंग है ना वो चेक करें भाई, तो उसको ट्राई करता हूँ आपको बता दें टेस्ट जो है ना कैसा भाई। बिस्मिल्लाह, जो कुल्लड़ पिज्जा है ना यकीन मानिए भाई, जो नॉर्मल पिज्जे होते हैं ना उससे काफी डिफरेंट टेस्ट इसका, और इसके अंदर जो एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना कुल्लड़ का बहुत जोर आ रहा है, और इसके अंदर जो इनके सॉस पड़े हुए हैं भाई बहुत जबरदस्त है। 120 रुपीज में ना आपको चिकन वाला मिल जाएगा ये, और 100 रुपीज का जो है ना इनका नॉर्मल जो पिज्जा है वो मिलेगा, और एक कॉटेज चीज भी इनका वो भी जो है ना 120 का भाई, ये चिकन के पीस चेक कर ले भाई। तो ओवरऑल जो पिज्जा है ना तो अगर आप अलीगढ़ में हैं और मैरिज रोड पे हैं और इस कुल्लड़ पिज्जा को ट्राई करना चाहते हैं तो ये शाही कुल्लड़ पिज्जा है, इसको जरूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल मैरिज रोड चौराहे पे ही है, और यहाँ नियर जो अब्दुल्ला है ना अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज बिल्कुल उसके पास में है, और जो इसके अंदर की जो फिलिंग है और जो पिज्जा है ना बहुत ही ज्यादा जूसी है भाई, वर्थ इट है, जरूर ट्राई करिएगा। ये चेक करें भाई, तो मैं जो है इस मजेदार से पिज्जे को एंजॉय करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये तंदूरी पिज्जा की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह की मजेदार वीडियो में लेकर आता रहूँगा। बहुत ही दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।